रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया अभी तक श्रीलंका के सामने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है। टीम इंडिया अब 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला 7 अगस्त को खेल रही है, तो वो श्रीलंका के सामने वनडे सीरीज बचाने के लिए उतर रही है। ऐसे में रोहित शर्मा का बल्ला तो जहां श्रीलंका दौरे पर गर्जा, लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला खामोश है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद जाहिद ने रोहित और विराट की तुलना करते हुए बड़ा बयान दे दिया। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद जाहिद ने बासित अली के YouTube चैनल से बातचीत में कहा कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि विराट कोहली शानदार खिलाड़ी हैं, फिर भी मैं रोहित शर्मा को विराट कोहली से आगे रखना चाहूँगा। रोहित वर्तमान में वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। वो तेज गेंदबाजों के सामने काफ़ी साहसी और निडर हैं। वो लेंथ को बहुत जल्दी पिक करता है, उसी तरह पाकिस्तान के इंजमाम उल हक भी किया करते थे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो वो शानदार बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 24 के दौरान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 92 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। इसके बाद रोहित ने श्रीलंका के सामने 2 वनडे मैचों में 122 रन ठोके, जबकि कोहली की बात करें तो IPL 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने के बाद से अभी तक उनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, लेकिन श्रीलंका दौरे पर कोहली के बल्ले से 2 मैचों में सिर्फ 38 रन ही बना पाए हैं। अब रोहित और कोहली दोनों खिलाड़ी भारत के लिए वर्ल्ड कप 2027 तक क्रिकेट खेलना चाहेंगे, पर उसके लिए स्पेशली विराट कोहली को अपना फॉर्म भी बरकरार रखना पड़ेगा, साथ ही साथ फिटनेस भी बरकरार रखनी पड़ेगी। बट ये सब बात तो एक तरफ है, दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आखिर हो क्या जाता है। ये क्यों भारत के खिलाड़ियों के बारे में, भारत के क्रिकेट के बारे में लगातार उंगली करते रहते हैं, पोक करते रहते हैं, ताकि इनका कंटेंट मिलता रहे, इनको व्यूअरशिप मिलती रहे और इनको पैसे भी मिलते रहें, क्योंकि इनका जो बाज़ार है वो पूरा भारत के क्रिकेट से चलता है। पाकिस्तान की क्रिकेट पर ये लोग बात नहीं करते, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर बात नहीं करते, PCB में क्या चल रहा है, कितनी राजनीति है, कौन कप्तानी करेगा, प्लेयर का बर्ताव कैसा है, बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, इन सब के बारे में ये लोग बातचीत नहीं करते। ये लोग बातचीत करते हैं रोहित के बारे में, विराट के बारे में, टीम इंडिया के बारे में, चैंपियंस ट्रॉफी में BCCI के आने के बारे में, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि भाई इनसे इनका पैसा बनेगा, इंडियन लोग वहाँ पर आएंगे, देखेंगे, सुपर चैट भेजेंगे, गालियाँ भेजेंगे, व्यूअरशिप मिलेगी और पैसा बनेगा। पर ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि पहले ये अपने गिरेबान में झांकें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब मोहम्मद जाहिद ने ये एक नई डिबेट फिर से छेड़ दी कि रोहित वर्सेज विराट। अरे यार, ऑलरेडी अभी T20 वर्ल्ड कप गुजरा है जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने साथ में संन्यास लिया, दोनों की शानदार बॉन्डिंग दिखी, दोनों अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे को और दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। पर मोहम्मद जाहिद जैसे कुछ जाहिल हैं, कुछ गवार लोग हैं जो फैंस की तरह बिहेव करते हैं और लड़ने की बात करते हैं कि रोहित वर्सेस विराट ये बेहतर है, वो बेहतर है। इस तरह की बातें करके ये लोग जानबूझकर ये कोशिश करते हैं कि फैंस के बीच फिर से वो बैटल शुरू हो, जहां पर लोग लड़ने लगें कि रोहित बेहतर है या विराट बेहतर है। अब आप ऐसे जाहिलों को क्या कहना चाहोगे, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।